तो ये है सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट जो आज के शादी का है। हम जिस शादी में गए थे अपने दोस्त के पास, वहाँ का कुछ हाईलाइट है हमारे लुक का और शादी का छोटा मोटा, लेकिन फुल लुक हमारा भी और फुल लुक शादी का भी, और शादी में क्या क्या फंक्शन हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये सिर्फ हाईलाइट तो था। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। और हम हैं अभी सोनपुर रेलवे स्टेशन पे, जाना है हमको सिवान अपने कॉलेज के जो दोस्त हैं उनका शादी है उसके लिए। और ये जो सोनाली अनबॉक्सिंग कर रही है वो हमारा कुछ कपड़ा है। हम शादी में पहनने के लिए जो कपड़ा ऑर्डर किए थे उसको आना चाहिए था पहले ही, लेकिन वो आया एग्जैक्ट डेट पर, वो भी जब हम सोनपुर रेलवे स्टेशन पर थे तब हम कैसे भी रिसीव किए। उसी को सोनाली अनबॉक्सिंग करके सारा डिब्बा डबरी फेंक के और सिर्फ कपड़ा को हम लेके चल रहे थे। तो निकलते हैं हम सोनपुर रेलवे स्टेशन से और चलते हैं सिवान, और जो भी सफर होगा हम आपको आराम से दिखाएंगे बड़े प्यार प्यार से। सफर शुरू करते हैं, लेकिन YouTube पे शॉर्ट्स नहीं मिलेगा तो आप Instagram पे जाके बड़े अच्छे अच्छे रील हमारे देख लीजिएगा शादी का। ये हमारा गेट है, आपको फाइनल रूट पहन के दिखाएंगे शादी में जब पहुंचेंगे तब, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए ऊपर इसके चक्कर हमारा सामान। ये हमारी बाइक, ये विशाल का दो सामान, और हम निकल गए हैं सिवान, सामान लेके निकल गए हैं सिवान शादी में। चार्जर मेरा छोड़ दिए, एक दिन हम छोड़ दिए ना, एक दिन क्या था कि हम आज अचानक से प्लान बना तो काम धंधा में रह गए कपड़ा लत्ता पैक करने में, तब तक ये मेरा चार्जर, मेरा क्या, सब किसी का चार्जर छोड़ दिया, एक भी चार्जर नहीं है, चार फोन लेके घूम रहे हैं लेकिन चार्जर एक भी, तीन फोन लेते, तीनों में से किसी फोन का चार्जर कैरी नहीं कर पाए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत होने वाला है। चल के स्टेशन पर चार्जर खरीदने की कोशिश करेंगे। बाकी ये डिब्बा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए इसको नीचे फेंक दिया गया है। ये वाला जो आप भीड़ देख रहे हैं वो है सिवान जंक्शन का, और हम सिवान जंक्शन से आगे की तरफ जा रहे हैं। हमें जो शादी है देख भी लिए, उतर पहली बार सिवान से गुजरे हैं बट उतरे नहीं। और ये वाला आप लोकेशन देख के लग रहा है कि ये सिवान का है। तो हम लोग जस्ट अभी बाहर जा रहे हैं, होटल में स्टे करेंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद शादी में जाना है तो वहाँ पे चल के जो भी दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। लेकिन हमें आशा है कि जिस दिन ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं उस दिन आपको नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, उस दिन ये नहीं जा पाएगा क्योंकि हम लोग का फ़ोन का चार्जर गुम हो गया है, मतलब घर पर ही छूट गया है। हाँ, जैसा कि हम शुरू में बताएंगे। और ये रहा हमारा सिवान जंक्शन। इस साइड हमारे पति देव सो भी कर दिए हैं, ये थोड़ा सा बिरयानी, थोड़ा सा शिमला मिर्च, भूल गए सब पनीर निकाला, पनीर निकाले, शिमला मिर्च निकाल दी, इसीलिए वीडियो बना भी किया। अपना भी सो किए हैं, उस साइड में विशाल खा रहे हैं। विशाल का एक खास बात थी, इसमें से पूरा निकालना था तो पूरा निकाल लिया, लेकिन यही प्लेट लेके नहीं खा रहा है। कोई बात नहीं, उतना ध्यान नहीं था अभी। और साइड में हम लोग का चपाती रोटी, सब में से सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लग रहा है आप, और आपसे पूछ रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए। और हम बहुत ज्यादा थक चुके थे, पैर हमारा दुख रहा था तो हम पालकी मार दिए, हम भी पालकी तो हम मार दिए। अभी हमारा ये पहला ऑर्डर आ चुका है बिरयानी, और इस साइड में है कढ़ाई पनीर, इस साइड में है रायता, और भूल गया लाने के लिए चाउमीन, और भूल गया लाने के लिए चपाती। अभी और कुछ आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, अब इतना कुछ ऑर्डर करेंगे तो तुरंत में थोड़ी आ जाएगा, बारी बारी आ रहा है, अभी ये आया है, अभी साल बताएंगे कैसा है बिरयानी हमको देखने में लग रहा है। बाकी ऑर्डर कैंसिल करा के खाली बिरयानी एक प्लेट और मंगा देते हैं। अच्छा, और फाइनली हम लोग का चाउमीन भी आ चुका है, तो इतने पे ही हम खत्म करते हैं, मतलब खाने का स्वाद बता सकते हैं, सब कुछ आ सकता है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है। हम लोग को डर लग रहा था कि नया जगह पता नहीं कैसा होगा, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी सिवान में आइएगा तो इस होटल में ट्राई कर सकते हैं, अच्छा खिलाना। होटल का नाम है अपराजिता, होटल अपराजिता। बाकी टेस्ट इतना अच्छा है कि अब वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा है, नमक थोड़ा। सबसे पहले हो गया मेरा थाली समाप्त, चाहे जैसे भी हुआ लेकिन हो गया। इधर खाने के बाद लिपस्टिक पोच रही है, अगर विशाल अभी खाने के बाद सोच रहा है। विशाल खाया चिकन बिरयानी, हम लोग खाए पनीर, कढ़ाई पनीर, रोटी, चाउमीन। ये हो गया खत्म, अब यहाँ से निकलने का सोचा जाएगा।
बाकी ये जो सीन आप देख रहे हैं वेडिंग वेन्यू का है, जहाँ पे हम लोग गए थे शादी में, तो वहाँ का ये सीन है। और इसके पहले भी हम लोग रुके कहाँ थे, खाना कहाँ खाए थे, वो सब सीन हम लोग लिए हैं, लेकिन क्या है कि वो दूसरे फ़ोन में, तो उसको एडिट करके हम बाद में डालेंगे। बाकी ये होटल था जहाँ पे शादी होना था, हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए थे, तो इस वजह से हम लोग ऐसे घूम लिए कहाँ क्या है, एग्जैक्टली ये है भी कि नहीं, ये सब चीज़ें मन में चल रही थी, तो इस वजह से हम लोग अपना घूम के कन्फर्म किए। फिर बातचीत हुआ तो पता चला हाँ यही हम लोग सही जगह पहुँचे हैं, लेकिन पहले पहुँच गए, इस वजह से खाली खाली था, जिस वजह से हम लोग भी थोड़े कंफर्टेबल थे वीडियो वगैरह के लिए, इस वजह से ये वाला ब्लॉग भी कंप्लीट हो पाया, या फिर बहुत सारा शॉर्ट्स हम लोग निकाले हैं यहाँ का, तो वो सब चीज़ आपको दिखेगा वीडियो में, आगे सब कुछ दिखेगा। बट अभी ये सब ट्राई ट्राई है, आप देखिए और कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा हम लोग का लुक और वहाँ का वेडिंग वेन्यू कैसा था, ये भी जरूर बताइएगा। तो हो गई सारी काम की बातें, बट अभी हम कह दें कि ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे बोल बोल के रिकॉर्ड किए थे, लेकिन जब एडिट करने आए हम लोग को तब पता चला कि अब शादी है तो गाना तो बजेगा ही, तो गाना वहाँ पे बहुत बज रहा था, बहुत ज़्यादा ही, तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है जो कि हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, तो इस वजह से म्यूट करके उसको दोबारा से वो इस ओवर हम लोग को करना पड़ रहा है। ये सेल्फी पॉइंट था जो आप बगल में देख रहे हैं, यहाँ का भी शॉर्ट्स और फोटो दोनों है हम लोग के पास, जो कि आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट या फिर शॉर्ट्स में, जो कि अब हम लोग इंस्टाग्राम पे या मौज पे अपलोड करते हैं। अब यूट्यूब पे हम लोग शॉर्ट्स नहीं डाल रहे, बंद कर चुके हैं लोग शॉर्ट्स डालना। और ये था गेस्ट एरिया, जो लोग ऐसे थक गए हैं या फिर रेस्ट करना चाहते हैं रेस्ट कर सकते हैं उसमें आराम से, बहुत बढ़िया हम लोग को तो लग रहा था। और इस शादी का सबसे खास बात था कि भीड़ इसमें बहुत कम था, मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग ज़रूरी हैं वही लोग आए थे। और ये था सेकंड फ्लोर जिस पे ऐसे हम लोग घूम घूम के देख रहे थे, मेरे को क्या था ना थोड़ा वो बाल वाल सही करना था, हम ऐसे होटल से ही नहीं मिला था चेंज करने वाला, इसलिए हम वहाँ पे बाल नहीं झाड़ पाए थे, बात ये गलत है, हम कंघी ले जाना भूल गए थे, तो लौटते वक्त रास्ते में हम कंघी खरीदे, तो इसलिए हम थोड़ा वॉशरूम या ये रहा अंदर का डेकोरेशन। और बहुत लोग आ चुके हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं बाराती का, और हमें ऐसा फ़ोन आया है जैसा लग रहा है कि आ ही गया है बाराती। तो हम अभी चल रहे हैं आगे के तरफ और फुल लुक तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, बट ये रहा कुछ एंट्री हमारा, बाहर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे है। जैसे ये हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बाराती के लोग हैं, बट बाकी हम चल के आगे देखते हैं। बाकी बाहर का ये वाला जो सीन देख रहे हैं यही है हमारा मेन बारात है, बारात निकल गया है, पूरा परिवार इधर से डांस करता हुआ जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम भी इधर ही हैं और दुल्हन हमारे साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये रहा डांस, कई देर बाद इनको लगा कि इंजॉय करना चाहिए तो हम लोग भी चलेगा, उसके बाद में हम लोग भी गए थे बारात में, लेकिन वो सीन हम नहीं रिकॉर्ड किए, और हम विशाल खाना खा रहे थे तो वो वाला सीन हमारे हस्बैंड पहले ही खा के, तब हम लोग का सीन ओनली रिकॉर्ड कर रहे थे, वो खाना पहले ही खा चुके थे, पता नहीं उनको क्या हो गया था, भूख उनको बहुत कम था, एकदम थोड़ा सा बस विधि जितना खाए थे, और इस साइड में हम विशाल खा रहे थे तो बार बार रिकॉर्ड कर रहे थे। उस साइड में दूल्हे का वो तिलक चढ़ा था, तिलक उनका पहले नहीं हुआ था अलग, शादी के दिन ही उनका तिलक भी चढ़ा था, और जितने भी बारात वाले लोग आए थे वो लोग खा रहे थे, और उस साइड में डस्टबिन में प्लेट वगैरह रख रहे थे। ये है कुछ खाने का नज़रिया, मतलब खाने का नज़रिया नहीं, खाने का जो टेबल था वो उसका सीन है ये थोड़ा बहुत, और ये पहले खा लिए थे इसलिए वो चीज़ अच्छा हुआ कि ये रिकॉर्ड कर दिए थे, कुछ हम लोग रिकॉर्ड किए कुछ ये रिकॉर्ड किए, तीनों जने मिल बांट के थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिए। बाकी शादी में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद में ये रहा गुलाब जामुन, तिलौरी, पापड़, हम लोग तो तिलौरी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और सीजन में अभी परवल चल रहा है तो परवल का एक सब्जी कंपल्सरी होता है, सीजनेबल सब्जी का। तो ये रहा स्टेज, और फिर क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो रहा था, 11 बज रहा था, मतलब ये तो हो गया तिलक इनको चढ़ रहा था, वो वाला सीन है आप देख लीजिए, और तिलक जब चढ़ाना उसके बाद तिलक चढ़ते चढ़ते ही 11 बज गया, तो फिर हम लोग को लगा हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, और सिवान से छपड़ा दूर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फिर भी दूर पड़ता है, जो कि रात को ट्रैवल करने में थोड़ा दिक्कत होता है, अभी लगन का समय है, एक तो गाड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो सब सीन था हम लोग के पास, और जो गाड़ी वाले थे अब उनका भी तो सोचना ना, उनको भी वापस आना था, तो इस
वजह से हम लोग तिलक जस्ट देख के, तिलक के जस्ट बाद ही हम लोग निकल गए थे। और इस साइड में ये लास्ट टेक में भी कि हम लोग लिए थे उधर का, इस साइड में डीजे वगैरह का इंतजाम था लेकिन कोई नाच नहीं रहा था, सब लोग बारात में ही नाचे थे। और इस साइड पानी ही रखा हुआ था, निकलते वक्त पानी वानी पी के, अरे हम अभी भी खा ही रहे हैं, सब लोग उधर घूम घाम के आ गया और हम खा ही रहे थे, तो हमारा सीन ये रिकॉर्ड किए थे। और खाना पीना सब कुछ हो गया था तो थोड़ा देर बैठे लोग, उसके बाद में तिलक बता तो हम रहे हैं, तिलक जैसे ख़त्म हुआ ना उसके बाद में हम लोग निकल गए। और रात को मे बी कि 2 घंटा हम लोग को लगा उधर से घर आने में, घर तो हम लोग नहीं पहुंच सके, हम लोग छपरा ही रुक गए मेरे घर पे। रात को फिर भी 12:30-1 बज गया था हम लोग को घर आने में। और नेक्स्ट व्लॉग आपको छपरा मेरे मायके का ही दिखेगा बिकॉज अभी हम वहीं पर हैं, और अभी देखते हैं कब जाना है बिकॉज तबीयत थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो देखते हैं जब पूरी तरह से रिकवर हो जाए तब यहाँ से निकल जाएंगे जल्दी से। और ये कह सकते हैं तिलक के बाद में जो चुमावन होता है, तो वो घर के लेडी लोग करते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स में से, तो वो लोग ये कर रहे थे। और इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लुक को लेके या फिर शादी को लेके या होटल को लेके या फिर कुछ को भी लेके आपको एक कमेंट ज़रूर छोड़ना है। और ये हम लोग जब जा रहे थे वापस घर तब का ये लास्ट टेक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।